Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School, Gudiyani, Rewari. Today we are going to start 6th class, 11th chapter, The Artist of Madhubani, Mithila Madhubani Paintings. यानि कि आज हम इसका second part discuss करने जा रहे हैं. आज का जो हमारा जो video है, इसमें हम इसका second part discuss करेंगे. मिथिला की जो arts है, उसमें भी जो special है हमारा Madhubani जो paintings है, उसके बारे में हम discuss करेंगे. Last video में हमने discuss किया था कि मिथिला की जो paintings है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा खासियत क्या है. खासियत यही है कि उन्होंने किसी एक चीज़ को नहीं डाला हुआ अपनी पेंटिंग्स के अंदर. अपनी पेंटिंग्स के अंदर उन्होंने जो लॉट्स लीव्स हैं, जो कमल के जो पत्ते हैं, उनको डाला है. बीज को, बम्बल बीज को डाला है, पिकॉक को डाला है, एलिफेंट्स को डाला है, एंड एलिफेंट्स को डाला है, और काफ़ी सारी जो भी चीज़ें, जो उनकी जो मिथ्स हैं, जो पौराणिक जो भी कथाएं हैं, उनको डाल रखा है, और जो फोक टेल्स हैं उनको भी डाल रखा है. ठीक है, अपनी पेंटिंग्स के अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रखा है. अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आगे जो हमारा जो राइटर था, यानी कि एक आर्टिकल्स है, ये कन्वर्सेशंस है, किसके बारे में, शशिकला के बारे में और स्वप्ना के बारे में. स्वप्ना है वो इंटरव्यू लेता है, शशिकला जी का इंटरव्यू लेता है, और शशिकला जी है वो मिथिला के आर्ट के बारे में उनको बताती है. अब नेक्स्ट आता है हमारा, देयर इज हार्डली एनी शेडिंग्स इन मिथिलाज पेंटिंग. द आर्टिस्ट यूज सॉफ्ट फ्लैट टोन्स टू शो रूडनेस प्रोपोर्शंस एंड डिस्टेंस एंड शार्प बोल्ड लाइन्स एंड कर्व्स टू शो फोर्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस. देयर इज हार्डली एनी शेडिंग इन मिथिलाज पेंटिंग. कि मिथिला के पेंटिंग्स के अंदर जो शेडिंग्स हैं, यानी कि जो हम पेंटिंग्स के अंदर जो मतलब एक्स्ट्रा जो मटेरियल डालते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है. उसमें जो डाला हुआ है वो लिमिटेड डाला हुआ है, और जो डाल रखा है उस पेंटिंग को देखने के बाद सबको अच्छा लगता है, और इसी कारण से जो हमारी पेंटिंग्स हैं वो आज वर्ल्ड फेमस है. क्योंकि उसमें जो इमोशंस डाल रखे हैं, जो आर्टिस्ट ने जो इमोशंस डाले हैं, जो टोन्स जो उसमें यूज़ किए हैं वो, और जो डिस्टेंस जो यूज़ किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है. स्वप्ना कहती है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मिथिलाज पेंटिंग्स. कि मिथिलाज की पेंटिंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा खासियत किस चीज़ की है, ठीक है, वो उसके बारे में बताना है शशिकला देवी. इट इज़ द कोबर, यानी कि मिथिला की पेंटिंग्स के अंदर भी, पेंटिंग्स में भी कोबर की जो पेंटिंग्स है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल है. ठीक है, कोबर ए स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन विद इज ए मस्ट एट ऑल वेडिंग सेरेमनीज. यानी कि कोबर स्पेशल है, और ये कब ये जो कोबर का जो डिज़ाइन है ये कब किया जाता है, जब किसी की वेडिंग होती है उस वेडिंग के दौरान हम जब कोबर को डिज़ाइन करते हैं. कोबर है वो एक कमरा है, ठीक है, आगे एक्सप्लेन करेगा कि कोबर किसे कहते हैं. तो कोबर के अंदर जो डिज़ाइंस होते हैं उन डिज़ाइंस को जो डिज़ाइंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है. ठीक है, स्वप्ना, वेयर इट इज़ पेंटेड ऑन द फ्लोर लाइक रंगोली. स्वप्ना कहती है, यानी कि जो हमारा जो इंटरव्यू लेने वाला है, इंटरव्यू लेने वाली, वो कहती है कि इसको कहाँ पे पेंट करते हैं, एज ए रंगोली की तरह पेंट करते हैं क्या. शशिकला देवी, नो, ऑन द वॉल्स. नहीं, जो कोबर है, कोबर के अंदर जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो वॉल्स के ऊपर किए जाते हैं. ठीक है, एज ए रंगोली की तरह हम उसको यूज़ नहीं करते, हम उन डिज़ाइंस को वॉल के ऊपर यूज़ करते हैं. इन फैक्ट ए सेपरेटेड रूम इज़ मेड फॉर द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम. यानी कि ये जो कोबर है वो कब तैयार किया जाता है, शादी के दौरान तैयार किया जाता है, और स्पेशली एक रूम होता है जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए होता है, विच इज़ कॉल्ड द कोबर. उसको हम कोबर कहते हैं, यानी का घर. ठीक है, यानी कि दोनों का घर, किसका घर, ब्राइड का और ब्राइड ग्रूम का, दोनों का घर. ठीक है, इसलिए उसको क्या हो गया, का घर, कोबर. ठीक है, एंड दिस स्पेशल डिज़ाइन इज पेंटेड ऑन इट्स वॉल. और ये जो स्पेशल डिज़ाइन जो है वो उस कोबर के अंदर पेंट किए जाते हैं. ठीक है, कोबर का मतलब दूल्हा और दुल्हन का जो कमरा होता है, उस कमरे के अंदर उसको पेंट किया जाता है. स्वप्ना, इन कलर, कि आप जो कलर जो उसके अंदर यूज़ करते हो वो कौन से कलर है. शशिकला देवी, और यस बट मेनली इन रेड. कि वो जो कलर है वो रेड कलर हम जो हमारा जो मेन कलर होता है वो रेड होता है. ठीक है, रेड कलर हम इसके अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं. एंड नो ब्लैक इज़ यूज एनीवेयर. हम ब्लैक कलर इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, उसको हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं. ब्लैक इज़ इन ऑस्पिशियस यू सी, क्योंकि ब्लैक जो कलर है उसको
अपशगुन माना गया, ठीक है, मनुस माना गया, यानी कि शादी जो विवाह का जो मौसम होता है, ठीक है, शादी विवाह का जो फंक्शन होता है उसमें ब्लैक कलर को अशुभ माना गया है। तो कहते हैं कि हम उसके अंदर ब्लैक कलर को यूज़ नहीं करते, हम ओनली रेड कलर ही यूज़ करते हैं। सो अपना वेयर डू यू गेट योर कलर फ्रॉम, कि आप अपने कलर कहाँ से प्राप्त करते हो। शशिकला देवी, वेल वी मेक अप आवर ओन। शशिकला देवी कहती है कि ठीक, अच्छा है, हम अपने कलर स्वयं बनाते हैं, ठीक है, हम वो मार्केट से परचेज करके नहीं लेके आते। फॉर रेड, रेड कलर के लिए वी यूज प्लेन सिंदूर मिक्सड विद मिल्क। रेड कलर जब हम यूज करते हैं उस कवर के अंदर, जो डिजाइन करने के अंदर, पेंटिंग के अंदर, तो उसके अंदर हम जो प्लेन सिंदूर होता है, जो मांग में जो भरा जाता है, उसके अंदर हम मिल्क मिला के, फॉर येलो मिल्क मिला के फिर उसको यूज़ करते हैं। येलो कलर के लिए वी यूज़ हल्दी। हम किसका यूज़ करते हैं? हल्दी का यूज़ करते हैं। इफ़ वी वांट ग्रीन, और अगर हमें ग्रीन कलर चाहिए, वी ग्राइंड फ्रेश बीन लीव्स, तो हम बीन की जो पत्तियां होती हैं, सेम की जो फली होती है, बीन जो होती है, सेम की जो लीव्स होते हैं, उनको हम ग्राइंड करते हैं, उनको हम पीसते हैं एंड एक्सट्रैक्ट द जूस, और उसका जूस निकाल लेते हैं, वो हम एज ए ग्रीन कलर यूज करते हैं, ठीक है। स्वप्ना, वाई ओनली बीन लीव्स, केवल बीन के लीव्स क्यों, यानी कि जो सेम की जो जो पत्तियां हैं उन्हीं को यूज़ क्यों करते हो। जैसे कि हमारे कि नीम के पेड़ हो गए, इनके ये इसका कलर भी तो ग्रीन ही है, और भी सारे काफ़ी काफ़ी सारे जितने भी जो पेड्स हैं और जो ट्रीज हैं उनका सबका कलर ग्रीन ही होता है, लेकिन इसमें जो बीन्स है, बीन्स लीव्स क्यों यूज़ किया आपने, ठीक है। ऑल लीव्स आर ग्रीन आर एंड दे, सारी की सारी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं, लेकिन वो वैसे नहीं होती जैसा, जैसे फिनिशिंग सेम जो बीन लीव्स के अंदर जैसी फिनिशिंग आती है वो बाकी की जो लीव्स हैं उनमें नहीं आती। कांट वन यूज जस्ट एनी काइंड ऑफ ग्रीन लीव्स, और इसलिए हम सिर्फ जो बीन लीव्स हैं उनको यूज करते हैं, अदर लीव्स को हम यूज नहीं करते। शशिकला देवी, शशिकला देवी कहती है अदर लीव्स शुड नॉट बी ऑफ एनी यूज, क्योंकि अदर लीव्स का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते। आई नाउ, क्योंकि हम जानते हैं, बिकॉज आई हैव ट्राइड सेवरल विदाउट द लास्ट सक्सेस, हमने काफ़ी ट्राई करने के बाद ही जो बीन लीव्स है उसके अंदर सक्सेस प्राप्त की है। यानी कि जैसे स्टार्टिंग में हमने जो कलर, जो हमारे होममेड कलर थे उनको यूज़ किया है, तो हमने बाकी की जो हमारे जो अदर लीव्स हैं, अदर ट्रीज के जो लीव्स हैं, हमने उन कलर्स को यूज़ करके देखा, लेकिन उनके अंदर वैसी फिनिशिंग नहीं आई जैसे कि से जो बीन लीव्स हैं उनके अंदर जो फिनिशिंग आई है, उसके बाद ही हमने इसको फाइनल किया है कि हम उसके अंदर बीन लीव्स के ही इस्तेमाल करते हैं। स्वप्ना, डू यू मीन टू से दैट यू डोंट यूज ब्लैक एट इन मिथिला पेंटिंग्स। इसका मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब ये है कि आप मिथिला की जो पेंटिंग्स होती हैं उसमें आप ब्लैक कलर का बिल्कुल यूज नहीं करते। शशिकला देवी, नो, इन कोबर और फॉर अदर ऑस्पिशियस ओकेशंस, नहीं, हम सिर्फ ब्लैक कलर का कब यूज नहीं करते, कोहबर के अंदर, जब दूल्हा दुल्हन का जो कमरा जो हम तैयार करते हैं उसके अंदर हम इसका ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करते। एंड ऑस्पिशियस ओकेशन, ऑस्पिशियस का मतलब क्या हो गया, जो शुभ और पवित्र है, ठीक है, जैसे कि पूजा होगी, जो पूजा वगैरह करनी है, तो उन स्थानों के ऊपर हम ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करते। बट वैन वी वॉन्ट ब्लैक और ऑर्डिनरी यूज़ वी मेक इट फ्रॉम सूट्स द वे वन मेक्स काजल। और अगर हम जब ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं तो वो भी हम घर पे ही बनाते हैं, और ब्लैक कलर हम जब बनाते हैं तो ब्लैक कलर के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, काजल का यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के लिए जो काजल जो होती है उसका हम यूज़ करते हैं। वी लाइट अप एन अर्दन लैम्प, हम मिट्टी का एक दिया है वो उसको जलाते हैं, एंड होल्ड ए यूटेंसिल्स ओवर इट, और उसके ऊपर एक बर्तन रख देते हैं, ढककर रख देते हैं ओवर इट, एंड देन मिक्स द सूट्स विद कैरोसिन विद वी पेंट, और फिर उसके बाद जब जैसे ही वो जो दिए की जो लौ से जो लग के उस बर्तन के ऊपर जो लग दी जाएगी तो जो काला जो कलर है वो मिल जाएगा, उसके बाद उसके अंदर कैरोसिन ऑयल ऐड करके फिर हम उसको पेंटिंग के अंदर यूज करते हैं।
सो अपना व्हाट इज स्पेशल अबाउट द कोबर, कोबर के अंदर स्पेशल क्या होता है? शशिकला देवी, यू नाउ इट्स ऑलवेज पेंटिंग इन द सेम वे। शशिकला देवी कहती है कि आप जानते हो कि जो पेंटिंग जो हम करते हैं वो बिल्कुल सेम वे में करते हैं, बिल्कुल सीधे साधे तरीके से करते हैं, यूजिंग द सेम सिम्बल्स इन ए गिवन ऑर्डर। जो हमें ऑर्डर दिए जाते हैं उन्हीं सिम्बल्स के अकॉर्डिंग हम कोबर को तैयार करते हैं। ईच सिम्बल्स हैज इट्स स्पेशल मीनिंग, प्रत्येक जो सिम्बल्स होता है उसका स्पेशल मीनिंग्स होता है। फॉर इंस्टेंस लॉट्स लीव्स इन कोबर से दैट जस्ट एज द लॉट्स लीव्स फ्लॉरिश इन द वाटर, यानी कि लॉट्स लीव फॉर एग्जाम्पल के लिए जो लॉट्स लीव हम जो यूज़ करते हैं, तो लॉट्स लीव का कोबर के अंदर यूज़ करने का मतलब यही है कि जो लॉट्स लीव है वो कहाँ पे पनपते हैं, वाटर के अंदर पनपते हैं। सो मे द ब्राइड्स हैप्पीनेस फ्लॉरिश, की जो ब्राइड की जो हैप्पीनेस है वो कमल के फूल की तरह ही फले फूले। ठीक है, उसके बाद स्वप्ना कहती है व्हाट डू द अदर सिंबल मीन्स, दूसरे जो सिंबल्स हैं उनके क्या मतलब है? शशिकला देवी, द कोबर इज फिल्ड विद फिगर्स ऑफ शिवा एंड पार्वती। कोबर्स का जो कमरा जो हम जो तैयार करते हैं, जो दूल्हा दुल्हन का जो कमरा हम तैयार करते हैं उसको हम भर देते हैं किससे? जो भगवान शिव और पार्वती की जो पेंटिंग्स बनाकर उससे भर देते हैं, लॉट्स सीड्स, और जो लॉट्स के जो सीड्स हैं उनसे भर देते हैं, फिश बर्ड्स पिकॉक्स एंड बम्बलबीज, और उसके अंदर फिर हम कौन कौन से जो फिश हैं उसको बनाते हैं, बर्ड्स पिकॉक्स एंड बम्बलबीज को बनाने के बाद देयर आर इवन द सन एंड द मून, और हम वहाँ पे सन और मून की पेंटिंग्स भी बनाते हैं। द 9 प्लैनेट्स और 9 ग्रह हैं उनको भी हम उस कोबर के अंदर बनाते हैं। एंड ऑल्सो द सी, दीज आर ऑल स्पॉट्स टू बी वेटनेस टू द मैरिज, और हम सी है समुद्र है वहाँ पे भी उसका भी हम पेंटिंग बनाते हैं कि वेटनेस का मतलब है कि ये सारे के सारे किसके गवाह हैं, इनकी शादी के गवाह हैं। ठीक है, यानी कि दूल्हा दुल्हन का जो कमरा है जहाँ पे उनकी जो शादी की जो सेरेमनीज हैं, जो शादी की जो रस्में हैं, वो जो पूरी जो रिचुअल हैं वो कंप्लीट होगी, वहाँ पे जो जो लॉर्ड शिवा हैं और जो पार्वती हैं उनकी पिक्चर्स बनाई जाती हैं, लॉर्ड्स के जो सीड्स हैं वो बनाए जाते हैं, फिश बर्ड्स पिकॉक्स बम्बल बीज 9 प्लैनेट्स भी बनाए जाते हैं, सन और मून भी बनाए जाते हैं, ये सब के सब किसके गवाह हैं? दूल्हा दुल्हन की शादी के गवाह हैं। स्वप्ना, इट इज कोबर द ओनली पॉपुलर फॉर्म ऑफ मिथिला आर्ट्स, क्या कोबर ही मिथिला के अंदर मतलब मिथिला के आर्ट के अंदर कोबर ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है? शशिकला देवी, नो दैट्स नॉट ऑल। शशिकला देवी कहते हैं कि नहीं, अनदर पॉपुलर फॉर्म ऑफ मिथिला आर्ट इज द कमलदा। जो शशिकला देवी कहती है कि जो अनदर आर्ट्स है वो कमलदा है, इट लुक्स लाइक ए गार्लैंड ऑफ लॉट्स फ्लावर, ये किस तरीके से लगता है कि जैसे कि एक कमल के फूलों की माला बनी हुई है, द सेंटर ऑफ विच द ब्राइड ग्रूम फील्स अप विद सिंदूर, की जो सेंटर है यानी कि कमल के फूलों की जो माला जो बनी हुई है उसका जो सेंटर है वहाँ पे ब्राइड ग्रूम फील्स विद सिंदूर एंड सेंड्स टू द ब्राइड्स, वो सिंदूर भरकर ब्राइड्स के लिए भेजेगा। स्वप्ना, आर ऑल मिथिला पेंटिंग्स रिलेटेड टू द मैरिज रिचुअल्स, कि जो मिथिला की जो पेंटिंग्स है वो मैरिज जो शादी की जो रस्मों से वो मिलती जुलती है क्या? शशिकला देवी, टू मैरिज और टू अदर रिलीजियंस फेस्टिवल्स, हाँ शादी के दौरान और जो अदर जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके ऊपर ईच पूजा, प्रत्येक जो पूजा होती है कॉल्स फॉर ए स्पेशल काइंड ऑफ अल्पना। अल्पनाज आर ड्रॉन यूजिंग ग्राउंड राइस मिक्स विद वाटर, अल्पना है वो हम यूज़ करते हैं किससे बनाते हैं? ग्राउंड राइस मिक्स विद वाटर, वो वाटर को मिक्स करके फिर हम बनाते हैं। द वन ड्रॉन इन विंटर फॉर कार्तिक की एकादशी इज ड्रॉन ऑन द फ्लोर ऑफ द कोर्ट यार्ड एंड कंटिन्यूज राइट अप टू द पूजा रूम, यानी कि जो इसके अंदर भी जो स्पेशल जो पूजा होती है वो कार्तिक की जो एकादशी होती है उस दौरान जो जो राइस है जो चावल है उसको फ्लोर के ऊपर बखेर दिया जाता है, फ्लोर से लेके आंगन तक बखेर दिया जाता है उस पेंटिंग को, मतलब ऐसा उस उन्होंने पेंटिंग के अंदर प्रेजेंट करके दिखा रखा है। कंटिन्यू राइट अप टू द पूजा रूम, और वो तब तक चलता रहता है यानी कि उसको उस पेंटिंग्स को जो चावल्स जो उन्होंने बिखेरे हैं वो पूजा रूम तक जाएंगे। Then there is cobber, a
रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉन इन द ब्राइड ग्रूम्स हाउस व्हेन द ब्राइड स्टेप्स इन द फर्स्ट टाइम्स, और फिर उसके अंदर कवर के अंदर एक आयताकार का एक पैटर्न बनाया होता है जहाँ पे दुल्हन दूल्हा और दुल्हन पहली बार आते हैं। स्वप्ना, आर दीज ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स पेंटिंग स्टिल एज मच पार्ट ऑफ लाइफ एज दे यूज टू बी। जो स्वप्ना कहती है कि ये जो ट्रेडिशन है और जो ये जो रिचुअल्स हैं, जो शादी की जो रस्में हैं, ये क्या जीवन का एक हिस्सा है? शशिकला देवी, यस ऑफ कोर्स, मिथिलाज आर्ट इज स्टिल वेरी मच ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। की मिथिला की जो आर्ट है वो हमारे लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सो अपना वन लास्ट क्वेश्चन, स्वप्ना कहती है कि एक आखिरी क्वेश्चन, द वुमेन पेंटिंग वुमेन पेंटर्स ऑफ मिथिला लिव्ड इन क्लोज सोसाइटी विद लेट द वुमेन पेंटर्स टू शेयर देयर वर्क विद द लार्ज वर्ल्ड। कि जो मिथिला के अंदर जो वुमेन्स जो पेंटिंग्स करती है उनको एक लिमिटेड सोसाइटी के अंदर, क्लोज सोसाइटी के अंदर, यानी कि सोसाइटी के अंदर बंद करके रखा हुआ है, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में क्यों नहीं पहुंचाते? शशिकला देवी, देयर वाज ए टेरिबल अर्थक्वेक, एक बार एक भयानक अर्थक्वेक आया था इन 1934 इन द रीजंस, 1934 के अंदर एक भयानक अर्थक्वेक भूकंप आया था। विलियम आर्चे देन लोकल कलेक्टर वेंट टू इंस्पेक्ट द डैमेज इन मिथिलाज विलेज एंड सा द वॉल्स एंड फ्लोर पेंटिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और उस अर्थक्वेक के आने के बाद विलियम आर्चर हैं जो लोकल क्या था कलेक्टर था, वो इंस्पेक्ट के लिए आते हैं, वो जांच करने के लिए आते हैं और उस डैमेज को देखते हैं, उन जो फ्लोर्स की जो पेंटिंग्स है, वॉल्स की जो पेंटिंग्स है, उन पेंटिंग्स को देखते हैं। फर्स्ट टाइम पहली बार उन्होंने देखा था। लेटर ही वांट बैक विद हिज वाइफ मिल्ड्रिड, और फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी मिल्ड्रिड के साथ आते हैं एंड फोटोग्राफ ए नंबर ऑफ देम, और वो काफ़ी सारी पिक्चर्स वहाँ से क्लिक करके लेके जाते हैं। दे रिकोगनाइज देयर ग्रेट ब्यूटी एंड गॉट देम पब्लिश इन सेवरल मैगजीन्स, क्योंकि वो मिथिला की जो पेंटिंग्स है उनकी ब्यूटी को बहुत अच्छे से जानते थे और उन्होंने काफी सारी मैगजीन्स के अंदर उन पिक्चर्स को पब्लिश करवाया। दिस गॉट द अटेंशन ऑफ द आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स, और इससे जो हमारे जो आर्टिस्ट थे और जो हमारे आर्टिस्ट थे स्कॉलर्स थे उनको अटेंशन मिली, उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इन द 1950s एंड अर्ली 1960s सेवरल इंडियन स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट विजिट द रीजन्स एंड ऑल्सो बिकम्स अनॉर्म्ड बाय द पेंटिंग्स, और इसका वो पेंटिंग्स मैगजीन में पब्लिश करवाने का कारण ये हुआ कि 1950 और 1960 के अंदर इंडिया के जो काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने विजिट किया और उन पेंटिंग्स को देखा और उनको काफ़ी क्रेज भी किया, ठीक है, उनका उत्साह भी बढ़ाया। इन 1966 देयर वाज ए ड्रॉफ्ट इन द सेम रीजंस, और उसके बाद 1966 के अंदर एक बार फिर से अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है। द ऑल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड सेंट भास्कर कुलकर्णी एंड एन आर्टिस्ट टू मिथिला टू एनकरेज द वुमेन टू मेक पेंटिंग्स ऑन पेपर दैट दे कुड सेल इन ऑर्डर टू जनरेट मनी फॉर देयर फैमिलीज, और उसके बाद जो भास्कर जो कुलकर्णी था उन्होंने वो जो वहाँ की जो वुमेन्स थी जो लोकल जो विलेजर्स थे उनको इंक्रेज किया, उनका उनकी हिम्मत बढ़ाया कि तुम अपनी पेंटिंग जो पहले जो वॉल्स के ऊपर करते थे, रूफ्स के ऊपर करते थे, उन पेंटिंग्स को एक पेपर पे प्रेजेंट करके इससे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट्स कर सकते हो, अपनी फैमिली का भी पेट भर सकते हो। दिस इज़ क्रिएटेड ए न्यू सोर्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, और इसका कारण ये हुआ कि वो जो लोग जो जिनका काम छूट गया था मिथिला के अंदर उस सूखे के दौरान, उन्होंने उन पेंटिंग्स को एक पेपर्स के ऊपर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया और अपनी फैमिली को का पालन पोषण फिर से शुरू कर दिया। द वुमेन आर्टिस्ट वर एनकरेज टू प्रोड्यूस पेंटिंग्स रिप्रेजेंटिंग देयर ट्रेडिशंस ऑन हैंडमेड पेपर, सिंस देन पेंटिंग्स हैज बिकम ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर सोर्स ऑफ फैमिलीज, और उसके बाद जो बाकी जो रूरल्स जो जो भी लेडीज थी उन्होंने अपनी इस कला को जिंदा रखने के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन पेंटिंग्स को एक पेपर के ऊपर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, और जैसा वो वॉल के ऊपर उसको प्रेजेंट करते थे वैसा ही उस पेपर्स के अंदर उनको बहुत अच्छे से उन पेंटिंग्स को अपनी पेंटिंग्स को बनाते थे, ड्रॉ करते थे, और इसी कारण से जो मिथिला की जो पेंटिंग्स है आज वर्ल्ड फेमस है। मधुबनी की जो पेंटिंग्स है वो दो बार जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं आने के बाद भी ग्रो कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारा जो लेसन है वो ख़त्म होता है। आई होप यू विल अंडरस्टूड, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।